अरुणाचल की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक आज से नया अध्याय जोड़ने जा रही है। पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव में जाके जनसंपर्क अभियान किया है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले एक बहुत बड़े स्तर पर ग्राम संपर्क अभियान चलाया और इसमें हिमाचल प्रदेश की सभी 3615 ग्राम पंचायतों में एक एक गांव में जाकर लोगों को जोड़ा, आम आदमी पार्टी के राजनीति के बारे में जागरूक किया और आम आदमी पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाया। तो हिमाचल प्रदेश के एक एक पंचायत में, एक एक गांव में आज आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार बदलाव मार्च के नाम से अभियान चल रहा है, जनसंवाद चल रहा है और जहां जहां भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, हर जगह से एक बात समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल के लोग दुखी हैं। एक ऐसी सरकार जो पिछले पांच साल से एक निकम्मी सरकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है, कोई काम नहीं करने वाली सरकार, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना पर्यटन पे, कोई काम नहीं करने वाली सरकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। ये बात गांव-गांव से निकल के आ रही है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, लेकिन लोग कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते। लोगों को कांग्रेस से भी उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस को भी हमने बड़ी मुश्किल से हटाया था, बीजेपी वाले भी ऐसे ही निकले। तो जब आम आदमी पार्टी गांव में पहुंच रही है, आम आदमी पार्टी जब बदलाव का संकेत लेकर, संदेश लेकर पहुंच रही है, तो लोग बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। गांव-गांव में लोग आम आदमी पार्टी के सरकार के, अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के डेवलपमेंट से वाकिफ़ हैं कि किस तरह से वहाँ शिक्षा में, स्वास्थ्य में काम हुए हैं, किस तरह से वहाँ ईमानदारी से, कट्टर ईमानदारी से काम हुए हैं, ये सब चीज़ से वाकिफ़ हैं। लोग पंजाब के डेवलपमेंट से भी वाकिफ़ हैं कि वहाँ कैसे आते ही भगवंत मान सरकार ने किस तरह से काम करने शुरू कर दिए लोगों के हित के लिए। तो इस पूरे अभियान के बाद, जो गांव-गांव में पहुंचने का अभियान बना और बदलाव मार्च निकल रहे हैं, इसके बाद अब आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है और आज एक ऐलान करने जा रही है कि आज से जो आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन था अभी तक का, उसको डिसॉल्व करते हुए एक पूरे नए संगठन का, पूरी नई टीम का गठन किया जा रहा है, उसका ऐलान कर रहे हैं। ये जो नई टीम है हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की, ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को समर्पित टीम है। अरविंद केजरीवाल जी की कट्टर ईमानदारी और देशभक्ति की राजनीति, जिसमें हिमाचल प्रदेश के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल का इंतजाम करना, हिमाचल प्रदेश के एक एक व्यक्ति के लिए शानदार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, नौजवानों के लिए अच्छे रोजगारों का इंतजाम करना, पर्यटन के रूप में, अध्यात्म के रूप में हिमाचल को आगे बढ़ाना, इसके संकल्प के साथ अरविंद केजरीवाल जी की टीम एके मॉडल ऑफ गवर्नेंस, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम करेगी और हिमाचल की तस्वीर को बदलने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करेगी। ये जो नया संगठन, नई टीम आज से अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ पे गठित हो रही है, इसकी अगुवाई हमारे साथी, पुराने साथी कार्यकर्ता सुरजीत सिंह ठाकुर जी करेंगे, जो मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं। सुरजीत सिंह ठाकुर जी आप सब लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बताऊं तो सिरमौर जिले के एक गांव में किसान परिवार से आते हैं, एक सरकारी स्कूल से पढ़ के उसके बाद आगे की पढ़ाई में होटल मैनेजमेंट और सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन तक इन्होंने पढ़ाई की और फिर दिल्ली और चंडीगढ़ में नौकरियां भी की हैं। आंदोलन के समय से देशभक्ति और ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर पहले आंदोलन से जुड़े अरविंद केजरीवाल जी के साथ और उसके बाद में पार्टी से जुड़े, और इस दौरान
पार्टी की अभी तक की यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाते हुए विधानसभा स्तर पर अध्यक्ष रहे हैं, जिला स्तर पर अध्यक्ष रहे हैं, स्टेट लेवल वर्किंग कमेटी में रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और दिल्ली और पंजाब दोनों चुनावों में जाके वहाँ पूरा चुनाव संगठन में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो इनके अध्यक्षता में आज आम आदमी पार्टी की नई टीम का यहाँ पे गठन हो रहा है और आगे के संगठन की जानकारी मेरे सहयोगी डॉक्टर संदीप पाठक, जो कि हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी हैं और राज्यसभा से सांसद हैं, तो संदीप पाठक जी रखेंगे आपके समक्ष संगठन के और पहलुओं की जानकारी। डॉक्टर संदीप पाठक। थैंक यू वेरी मच सर। तो सबसे पहले तो मैं सुरजीत सिंह जी का पूरे हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज पार्टी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुरजीत सिंह जी पूरे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितनी हमारी पार्टी है, सब ने जो इन पर उम्मीद दिखाया है उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे और जी जान लगाकर यहाँ पर काम करेंगे। इसके बाद मैं दो तीन चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ संगठन के मामले में। आप सबको पता ही है कि संगठन किसी भी पार्टी का मूल होती है, आधार होती है, और आम आदमी पार्टी मजबूत संगठन के निर्माण पर भरोसा करती है। जैसे आम आदमी पार्टी का संगठन पंजाब में बहुत मजबूत है, जैसे दिल्ली में बहुत मजबूत है, वैसे ही अब हिमाचल प्रदेश में मजबूत संगठन का निर्माण किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने जो संगठन बनाने का काम शुरू किया था पिछले एक दो महीने में, उसको अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 3615 ग्राम पंचायत है और लगभग 20,000 के आसपास, अगर सभी छोटे गांवों को इंक्लूड कर लें तो गांव पड़ते हैं, बड़े गांवों को अगर कंसीडर करें तो लगभग 18,000 गांव पड़ते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है संगठन बनाने की और हमने अपना संगठन हर गांव के लेवल तक तैयार कर लिया है। पूरे 18,000 गांवों में हमने अपनी कमेटी तैयार कर ली है और आने वाले समय में ये गांव की कमेटी से फिर हम बूथ की कमेटी बनाएंगे और फिर उससे हम चुनाव पे उतरेंगे। तो ये जो संगठन हमने बनाया है, आज की तारीख पे हम विधानसभा लेवल तक डिक्लेयर कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें लगभग 400 के आसपास पदाधिकारी हैं, विंगो को लेकर स्टेट के ऑफिस बेरर, फिर लोकसभा के ऑफिस बेरर, फिर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेरर और फिर विधानसभा में जो संगठन मंत्री है, तो लगभग 400 के आसपास ऑफिस बेरर डिक्लेयर आज कर रहे हैं। बाकी के संगठन जो पंचायत लेवल है और गांव के लेवल का जो संगठन है, आने वाले कुछ दिनों में उसको करेंगे। आपको पता ही होगा कि हर गांव में ग्राम संपर्क अभियान चला था, जैसे माननीय मनीष सिसोदिया जी ने बताया, तो ग्राम संपर्क अभियान जो चला था 3615 पंचायतों पे हमने ग्राम संपर्क अभियान चलाया था। हर गांव में हमारी मीटिंगें हुई, वहाँ के वॉलेंटियर्स बनाए, वहाँ की जनता से बात की। उसके बाद फिर जो और एक्टिविटी चल रही है वो है बदलाव मार्च और जनसंवाद। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का काम चल रहा है, यहाँ पर संगठन का काम पूरा हो गया है और कैंपेन पूरे जोरों पे है और जो वोट शेयर है यहाँ पर वो हर दिन बढ़ते जा रहा है और आगे संगठन निर्माण के बाद और भी तेजी से बढ़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में हमारी पूरी संगठन की टीम जब और तैयार हो जाएगी तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मजबूत तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देकर यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये आप सबको विदित ही है कि जनता ने आम आदमी पार्टी को पंजाब में मौका दिया है और दिल्ली में मौका दिया है और अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से काम करके दिखाया है, पूरे देश दुनिया की जनता का उन पर भरोसा बढ़ गया है। इसी सीरीज में इस बार अब हिमाचल प्रदेश की जनता केजरीवाल जी को एक मौका देने वाली है। कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को बार बार मौका मिला है और उन्होंने पूरे सारे मौका का दुरुपयोग किया है, तो इस बार
आम आदमी पार्टी तैयार है, जनता तैयार है, और इस बार निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर हिमाचल प्रदेश में भी बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं चाहूँगा कि सुरजीत जी आप दो शब्द। सबसे पहले सभा में उपस्थित पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। सुरजीत ठाकुर, जैसा कि मनीष सिसोदिया जी ने बता दिया, आज मैं दो बातें रखूंगा कि सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से धन्यवाद माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और हिमाचल के इलेक्शन इंचार्ज डॉक्टर संदीप पाठक जी का, कि जिन्होंने मेरे ऊपर, एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी पार्टी कर सकती है। भाजपा और कांग्रेस तो नामुमकिन है उनके लिए कैसा करना, क्योंकि मैं एक छोटे से किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। राजगढ़ के पास में सिरसगास एक गांव है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। स्कूलिंग मेरी राजगढ़ से हुई, उसके बाद होटल मैनेजमेंट किया, पढ़ाई चलती रही, सोशल वर्क में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, साथ साथ नौकरी भी करता रहा, तो बड़ा लंबा सफ़र रहा। साथ के साथ में जब ये आंदोलन दिल्ली के अंदर चल रहा था तो नौकरी के साथ साथ मैं उसको भी देख रहा था और दिल की गहराइयों से उस आंदोलन के साथ जुड़ा। इससे पहले भी मेरे मन में ये था कि ये जो आम आदमी और एक खास आदमी के अंदर की जो एक बहुत बड़ी खाई पड़ चुकी थी, हमेशा जहन में ये बात आती थी कि ये कैसे ख़त्म की जा सकती है। जब आंदोलन के बाद पार्टी बनी तो एक उम्मीद की किरण जगी, लगा कि भाई हाँ, ये दूरी ख़त्म की जा सकती है, खाई को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा क्या है जो एक आम को नहीं मिल सकता, जो खास को ही मिल सकता है? तो वो जो उम्मीद की जो किरण जगी, हम भी उसी किरण के सहारे चलते रहे, उसके पीछे पीछे चलते रहे। पार्टी ने जब जब जहाँ पे भी आदेश दिए, चाहे वो पंजाब का इलेक्शन हो, चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन हो, MCD का हो, मेन इलेक्शन हो या MP का हो, वहाँ पर सक्रिय तौर पर भूमिका रही है हमारी। मैं ये बात और भी बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर, मैं व्यक्तिगत तौर पे, पार्टी हमेशा क्लेम करती है कि राजनीति में हम लोग जो है यहाँ कैरियर बनाने नहीं, कैरियर छोड़ के आए। मैं चाहता तो नौकरी करता, परमानेंट, आगे भी अच्छे स्कोप थे मेरे साथ के। आज भी मेरे साथ के लोग अमेरिका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कहीं से फ़ोन करके बताते कि आप भी आ जाओ, हम यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, आप तो आपको आने की कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं। होटल लाइन थी, होटल लाइन में काम कर रहा था, पर एक जज्बा था देशभक्ति का। तो देशभक्ति सिर्फ मात्र भारत माता की जय बोलने से नहीं आती, देशभक्ति यहाँ से देखी जाती है कि आप अपनों के लिए, आपके दिल में कितना दर्द है, आप अपनों की दर्द को कितने अच्छे से महसूस करते हैं, आप अपने लोगों को उठाने के लिए कितनी देर पूरे 24 घंटे में से सोचते हैं। तो अपने साथ भी ऐसा ही था। बार बार मुझे जब भी पार्टी के जो कार्यकलाप होते थे, जो ड्यूटियाँ असाइनमेंट्स मिलते थे, नौकरी से, नौकरी करते करते डिस्टर्बेंस होती थी, कई बार मैं नहीं आ पाता था, तो बड़ी गिल्टी फील होती थी मुझे। तो ये देखते हुए मैंने 2016 में अपनी नौकरी को अलविदा कहा और उसके बाद 100% देने की कोशिश की और आज भी दे रहा हूँ। आगे भी मैं ये कहना चाहता हूँ, शीर्ष नेतृत्व को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपने मेरे ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और मैं अपनी ओर से इस बात की गारंटी देता हूँ कि जितनी स्पीड से मैं पहले काम कर रहा था, उससे 10 गुना और ताकत में लगाऊंगा। और मेरे हिमाचल प्रदेश के हर एक कार्यकर्ता से भी यही मेरा आह्वान रहेगा कि हमें इस व्यवस्था को बदलना है। सत्ता तो हर 5 साल में यहाँ पे बदलती रही है, इस बार आओ सब लोग मिलकर हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था को बदलें, जिसमें अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, विश्वगुरु बन लेंगे, सब बाद में बनेंगे, सबसे पहले ये दो चीज़ों को तो हम अपना ठीक करें। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ 75 साल में नहीं कर पाई, दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। तो 5 साल में एक मौका आम आदमी पार्टी को आप दीजिए, सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं। और आश्वासन देना चाहता हूं सर कि जिस तरीके से आपने मेरे ऊपर, एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा भरोसा जताया है, तो हम भी जी जान से, तन मन और धन से देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए और पार्टी की सेवा के लिए दिन रात काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल भी डबल स्टैंडर्ड नहीं है। करप्शन के खिलाफ खून खौलता है। जनता की कमाई से 1 रुपया भी कोई कहीं इधर से उधर करने की कोशिश करे, जनता को धोखा देने की कोशिश करे, तो खून खौलता है हमारा।
लेकिन जब अपने किसी कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और साजिश करते हुए आरोप लगाएगी, तो उन आरोपों का जवाब भी हम उसी शिद्दत से देते हैं जिस शिद्दत से एक पैसे का भी करप्शन अरविंद केजरीवाल बर्दाश्त नहीं करते। वो चाहे मैं हूं या सत्येंद्र जैन हो या कोई और हो, कोई मंत्री हो या कोई और हो, लेकिन अगर किसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी अपने तोता मैना अपने तमाम सिपहसालारों को साथ लेके फंसाने की कोशिश करेगी तो वहां फिर हम कार्यकर्ता के भी साथ खड़े हैं। सीबीआई ने 7 साल तक इस केस में एक पैसे की बेईमानी नहीं ढूंढ पाई, उसको फिर ये जबरदस्ती उखाड़े जा रहे हैं, जबरदस्ती उखाड़े जा रहे हैं। 4 साल चुप बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर खड़े हो जाते हैं। कोई जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के करप्शन पे, इनकी फेलियर पे कोई बात करता है, वैसे उठा के फिर एक बार तोता मैना को उड़ा देते हैं, फिर 4 साल चुप बैठ जाते हैं। तो ये जो इनकी राजनीति है, इसके खिलाफ तो हम बोलेंगे, हिमाचल के करप्शन के खिलाफ भी बोलेंगे। हिमाचल में जो स्कूलों की दुर्दशा की है, मैं पिछली बार एजुकेशन संवाद करने आया था, आपने भी देखा था कि यहाँ दूर दूर से आके लोगों ने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल या तो सत्ता का सुख भोगने में लगी रहती है या पैसा कमाने में लगी रहती है, स्कूल नहीं बनवाए। मेंबरशिप तो लाखों में है, लेकिन संगठन जो अभी बनाया है, तो संगठन 3615 पंचायत पे हमने आइडेंटिफाई कर लिए और लगभग 18,000 गाँव में कमेटियाँ बन गई है और 18,000 गाँव में 10-10 मेंबरी कमेटी है। तो हर कमेटी में एक गांव का सेक्रेटरी भी होगा, तो हर गांव की एक सेक्रेटरी होंगे, 10 मेंबरी कमेटी। मेंबरशिप अभी मुझे जहां तक एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि ये डेली का चलते रहता है मेंबरशिप मिस्ड कॉल, उससे लगभग यहां पे 5 से 6 लाख का डेटा था मेरे पास कुछ समय पहले का, अभी अपडेटेड डेटा मैं आपको दे दूंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन जनता के साथ है, तो हिमाचल में भी हर उस आदमी के साथ जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, उसके साथ हमारा गठबंधन है। हर वो आदमी जो सोचता है कि मेरे गांव में मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं बनवाए सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री के इलाके में इतने सड़े हुए, इतने घटिया अस्पताल, इतने घटिया स्कूल हैं, जिस आदमी के दिल में भी इससे दर्द है, हमारा गठबंधन उसके साथ है। और हमारा गठबंधन दिल्ली में भी, पंजाब में भी, हमने हमेशा इसी तरह से काम किया। आपने कहा कोई शुरुआत है, बड़ा पेनिट्रेशन नहीं है, हाँ फेस नहीं है। तो जब जनता खड़ी होती है तो फेस तो तब बनाती है, फेस जनता बनाती है, फेस पार्टियां नहीं बनाती हैं। आज पंजाब में जितने चेहरे हैं, आज दिल्ली में जितने चेहरे हैं, मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ी कि मैं पहले कोई बहुत बड़ा चेहरा होता था, अचानक मैं पार्टी में आ गया, दिल्ली की जनता ने बनाया है। आज हिमाचल की जनता जिसको जिम्मेदारी देगी वो बड़ा चेहरा होगा। मैं आपसे बात करूंगा पंजाब के बारे में भी, पहले थोड़ा सा मैं दूंगा, नहीं पत्रकार हैं तो मैं पत्रकार के जवाब दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा हिमाचल के भ्रष्टाचार पे भी बात कर लें। हिमाचल की घटिया राजनीति जिसने केवल और केवल हिमाचल के लोगों को, हिमाचल के पेरेंट्स को धोखा दिया, हिमाचल के युवाओं को धोखा दिया, रोजगार पे धोखा दिया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं पंजाब पे भी बात करूंगा, दिल्ली पे दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा अगर किसी साथी के हिमाचल के बारे में, हिमाचल के कुचक्र, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बारे में कोई सवाल है तो मैं पहले उन पे बात कर लूं, क्योंकि हिमाचल आया हूं, उसके बाद सब पे बात करूंगा आपसे। आप ले लीजिए। बिल्कुल, ना सिर्फ जवाब देते हैं बल्कि कार्रवाई भी करते हैं। आप देखिए, चाहे वो मोहाली का मसला हो या पटियाला का मसला हो या एक खिलाड़ी के साथ हुआ हादसा हो या अब जो मूसेवाला जी के साथ हुआ, पंजाब सरकार बहुत स्ट्रांग तरीके से, मूसेवाला जी के साथ जो हुआ उसमें भी सबकी धरपकड़ चल रही है, और बाकी तीनों मामलों में जो मैंने जिक्र किया, 24 घंटे के अंदर अंदर, मोहाली ब्लास्ट से लेके पटियाला में जो दंगा कराने की साजिश हुई, 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस पे भी कार्रवाई हुई और साथ साथ जो लोग दोषी थे उनको भी जेल में डाला गया। तो पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार जितनी त्वरित कार्रवाई इस समय कर रही है, आज तक नहीं की, आज तक किया होता तो ये चीज़ें लेगेसी में नहीं होती पंजाब में। तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदला, उनको लग रहा होगा कि एक निकम्मे मुख्यमंत्री के सहारे ही चलते हैं।
हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बदल गई हो। अनुराग ठाकुर क्या है वो तो तब पता चलेगा जब अनुराग ठाकुर को मौका देती बीजेपी, लेकिन और हो सकता है उससे ज़्यादा निकम्मे साबित होते या उससे ज़्यादा करप्ट साबित होते, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर भरोसा कर रखा है वो तो पूरी तरह से गांव-गांव में यही है जी। इन्होंने किया क्या है, 5 साल केवल और केवल सत्ता का सुख भोगा, हिमाचल के लोगों को क्या दिया है? टोपोग्राफी मुझे लगता है जहाँ हिमाचल खड़ा है इसकी जो इतिहास है और इसका जो भूगोल है वो दोनों इसकी ताकत बन सकते हैं अगर सरकारें इस दिशा में काम करना चाहें गंभीरता से। यही टोपोग्राफी सारी दुनिया के टूरिस्ट को यहाँ लाके इतना पैसा दे सकती है हिमाचल की सरकार को और हिमाचल की इकोनॉमी को जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन सरकारों को सत्ता सुख भोगने से और बेईमानी करने से फुर्सत मिले और थोड़ा विजन के साथ काम करें तो, और वही रोजगार भी देगी, रोजगार इकोनॉमी के बढ़ने से आते हैं। हमसे हिमाचल में हमारे पास जितनी सुंदर वादियाँ, जितने सुंदर पहाड़, जितने सुंदर स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उससे कम संसाधन, उससे कम सौंदर्य वाली जगहों को दुनिया में आप देखो लोगों ने कैसे पोटेंशियल उसका एक्सप्लोर करके सारी दुनिया के मानचित्र पर छाए हुए हैं, हम क्यों नहीं छा सकते हैं? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। आम आदमी पार्टी की प्रायोरिटी है, आम आदमी पार्टी जहाँ खड़ी होती है वहाँ इन चीज़ों को प्रायोरिटी पर लेके काम करती है। पर्यटन से बहुत, पर्यटन से असीम संभावनाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया हिमाचल में एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं पिछली बार जब आया था हिमाचल शिमला में ही पूरे हिमाचल से लोगों ने आके बहुत शिद्दत से बताया कि हिमाचल की एजुकेशन का बंटाधार कर रखा है, जबकि ये तो ऐसी जगह है जहाँ ठंडी जगह है, शांत वातावरण है, शांतिप्रिय लोग हैं, यहाँ आके तो सारे देश के बच्चे पढ़ सकते हैं, सारे देश के बच्चों के लिए भी ये पढ़ने के आकर्षण केंद्र हो सकता है जो लोग यहाँ पढ़ना चाहते हैं। अच्छे स्कूल इतने बढ़िया बनाए जाएं कि हिमाचल के एक एक बच्चे को शानदार स्कूल बने और देश के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए लालायित हों, ऐसी जगह बनाई जा सकती है। ये तो मुझे लगता है इसका जवाब खुद जी हमारे नए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी ये कोशिशें हो चुकी है भाजपा की ओर से, प्रलोभन दिए गए थे, हज़ारों में नहीं लाखों में थे, हर तरह का दिया गया था हमें। जब 2017 में हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लड़वाया, उसके बाद उपचुनाव में, पछाड़ के उपचुनाव में ये घटनाक्रम हो चुका है। तो ऐसा ऐसा जो देश में, देश नहीं मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा विश्व का कोई ऐसा पैसा नहीं है जो अरविंद जी की टीम को खरीद सके। तो ये कोशिशें हो चुकी है पर अब ऐसा नहीं होने वाला, ये अब सब चीज़ें मैं बड़े दावे से आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमारे साथ घटनाक्रम पहले बीत चुके हैं। अब आप अच्छा वो इम्पोर्टेंट नहीं, देखो ये तो मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर आप बोलोगे कि किसने कहाँ कब कैसे, पर ये सब चीज़ें हो चुकी है। पर आप इस चीज़ में बिल्कुल आश्वस्त रहें कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर पार्टी ने हमारे ऊपर, मेरे ऊपर विशेष तौर पर अगर भरोसा जताया है तो कुछ चीज़ देखी है अरविंद जी की। देखिए अब अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के नेता हैं, तो जो भी विजन है पार्टी का, ईमानदार राजनीति, देशभक्ति की राजनीति, शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करने की राजनीति, वो मॉडल दिल्ली से निकल के आ रहा है। कौन सी पार्टी है जो यहाँ से चलती है? जयराम ठाकुर से लेकर अनुराग ठाकुर जी, मोदी जी से पूछे बिना आंख भी हिला सकते हैं इधर उधर, अगर हिलाते हो तो आप लोग बता दो कि जी ये काम जयराम ठाकुर जी ने या यहाँ की पार्टी के उन लोगों ने बिना मोदी जी के इशारे के कर दिया, मुझे एक काम बता दो इन लोगों का। तो ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन आपके जवाब में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास बनता जा रहा है कि किसी भी पार्टी से कहीं कोई किसी अपने कार्यकर्ता को किसी भी कारण से, अपने किसी नेता को किसी भी कारण से निकालना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा कूड़ेदान है। भारतीय जनता पार्टी अपने कूड़ेदान का ढक्कन बहुत आसानी से तुरंत खोल देती है कि इससे पहले कि कोई आपको निकाले, आप आइए ना हमारे साथ, हमारा कूड़ेदान खुला हुआ है। आप बताओ कौन से भ्रष्टाचार पे घेरना है, हमारे कार्यकर्ता ना खड़े हो तो बताना, आप पत्रकार हैं बताओ कौन से भ्रष्टाचार पे खड़े, आप खबर छापो कल नहीं हम उस पर उठा रहे हो। गुटबाजी तो सब जगह होगी, होगी जहां चार लोग बैठेंगे गुटबाजी इस बात का संघर्ष, अगर
कुछ अच्छा चल रहा है और जनता को उम्मीद है, तो निश्चित रूप से जहां होप्स हैं वहां लोग आगे आना चाहेंगे। अभी मैं उनके उनके बात का जवाब दे दूं। आप क्या पूछ रहे थे आपने, वहां फिर से हाँ क्या कह रहे थे? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारतीय जनता ये पंजाब में अकाली और कांग्रेस की सरकार रही और वहाँ हर साल इस तरह की गतिविधियों को इन्होंने ना सिर्फ आयोजन किया बल्कि बढ़ावा भी दिया। आम आदमी पार्टी आई है, जिस तरह से सख्ती से काम करना शुरू किया है, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को भी खत्म करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति का एक संकल्प है कि हम राजनीति ये नहीं देख के करते ये करोड़पति है क्या है कैसे। हमारा ध्यान ये रहता है भाई स्कूल कैसे बनवाने हैं। आज हम अगर यहाँ पार्टी का नया संगठन बना रहे हैं तो एक एक कार्यकर्ता, मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, डॉक्टर साहब दिल्ली से आए हैं, तो हम इस संकल्प के साथ आए हैं कि हमें हिमाचल में एजुकेशन इस स्तर तक लेके आनी है जैसी एजुकेशन की आज हिमाचल के एक एक बच्चे को ज़रूरत है। उस पर बहस होनी चाहिए, उससे हिमाचल की सरकार भाग जाती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में कहीं हिम्मत नहीं है जो एजुकेशन पे बात कर सके। कहीं कोई मॉडल नहीं है कि इतने सारे राज्यों में सरकार है जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, रोजगार पे, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने पे कहीं बात कर सके। जहां बात करती है वो बस ऐसे मुद्दों की करती है। आम आदमी कहता है इसको लाओ इसको लाओ, हमें तो स्कूल दो, बताओ मेरे बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ेगी कि घटेगी इस पर बताओ। थैंक यू। पहला वाला किस बारे में? पहला ये फेस के बारे में पूछ रहे हैं कि अच्छा देखिए, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का ग्राफ हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, निश्चित रूप से दूसरी पार्टियों के ऐसे लोग जो आगे अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, हिमाचल में कुछ करने का सपना लेके चल रहे हैं, वो संपर्क में आएंगे, हैं भी, और जिनको हम मुफीद मानेंगे उनसे बात करके उनसे आगे भी बढ़ाएंगे, बहुत लोग संपर्क में हैं भी। दूसरा, आपने जो बोला, मैंने कल भी बोला था इस बारे में कि भारत के इतिहास में शायद ये सबसे, हम सब भारतीय हैं जितने लोग बैठे हैं, भले ही कुछ पत्रकार हैं, कुछ पार्टी कार्यकर्ता हैं, कुछ व्यवस्था में लगे लोग हैं, यहाँ मंच पे हम बैठे हैं, हम सब भारतीय हैं, मेरे देश के इतिहास में ये सबसे दुखद पल है कि दुनिया का कोई छोटे से छोटा देश भी आंखों में आंख डाल के हमसे कहे कि माफ़ी मांगो, मुझे खराब लग रहा है। किसी एक आदमी की घटिया सोच या किसी बयान की वजह से हर भारतीय को भारत माफी मांगे, मतलब मैं और आप कैसे, यार कैसे मेरे देश को कोई कह सकता है कि माफी मांगो? ये तो मतलब इसमें तो एक भारतीय होने के नाते दिल रोता है कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने, इनकी हरकतों ने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। ये बहुत दुखद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।